सोलन के जोनाजी रोड पर जब से मेटलिंग हुई तब से यहाँ रोज हादसे हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीड है। सड़क अच्छी होने के कारण यहाँ युवा दोपहिया वाहन बेहद रफ्तार से चलाते हैं। इस रोड पर पुलिस बहुत कम औचक निरीक्षण करती है, जिसकी वजह से कम उम्र के बच्चे बेखौफ होकर बिना लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाते देखे जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही स्कूटी चालक एक युवक ने वृद्ध को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से वृद्ध की मौत हो गई। अब इस क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं कि इस रोड पर स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए। जोनाजी रोड के निवासी धर्मेंद्र ठाकुर मायाराम दीपक ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने सड़क बेहद अच्छी बनाई है, लेकिन इस सड़क पर अब नई समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि रोड ठीक होने की वजह से युवक दोपहिया वाहन बेहद तेजी से चला रहे हैं। तेज रफ्तारी की वजह से कुछ दिन पहले ही एक वृद्ध की दुर्घटना में जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर तेज रफ्तारी की वजह से रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए, इसलिए वे लोक निर्माण विभाग से आग्रह करते हैं कि वे इस बारे में जल्द कार्रवाई अमल में लाए, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। मैं माराम अग्रवाल, प्रधान अग्रवाल सभा सोलन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सड़क तो बहुत अच्छी बनी है। हम इसके लिए PWD का के धन्यवादी हैं, और स्पीड ब्रेक इसलिए लगने चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं, माइनर बच्चे जो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो इतनी तेज आते हैं, उनको ये नहीं लगता पता कि वो कर क्या रहे हैं, और इस वजह से यहाँ हादसे हो रहे हैं। और एक हो चुका है, और उम्मीद ये है कि भाई ऐसे हालात में तो और भी हो सकते हैं। स्पीड ब्रेक इसीलिए लगाया जाए ताकि उनकी स्पीड कम हो जाए। जब उनकी स्पीड कम हो जाएगी तो हादसे होने का डर कम रहेगा। अगर खासकर छोटे बच्चों पर कोई पाबंदी लग जाए तो बहुत अच्छा है। अब कोई 13 साल का, कोई 15 साल का बच्चा चला रहा है तो उसको तो यही नहीं पता कि स्पीड है क्या। अब मैं धर्मेंद्र ठाकुर, जोनाजी रोड निवासी। पिछले कई दिनों से जोनाजी रोड पे बहुत गड्ढे और बुरी हालत थी, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। हम सभी जोनाजी रोड के निवासियों ने संबंधित विभाग से और अधिकारियों से इस बारे में काफ़ी टाइम से बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने हमारी बात को सुना। और ये जो हमारा जोनाजी रोड है, ये मेटलिंग होकर पूरी तरह से पक्का हुआ, जिसके लिए हम प्रशासन का और संबंधित जो अधिकारी और विभाग है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक नई समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। रोड पूरा बनने के कारण, पूरा रोड ऊपर से नीचे साफ होने के कारण, इसमें बाइक चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले और जो वाहन चलाने वाले इतनी तेज़ी से चला रहे हैं कि इस पिछले दिनों यहाँ पे एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, और उसके बाद भी कई बार भी यहाँ पे कई तरह के डर इस तरह का बना हुआ है। तो हमारा ये आग्रह रहेगा प्रशासन से और संबंधित विभाग से कि इस तरह के हादसे आगे ना हो। जी, मेरा नाम दीपक है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जोनाजी रोड शक्तिनगर का। पहले तो ये रोड मतलब थोड़ा मतलब ख़राब होता था, तो बच्चे काफ़ी मतलब धीरे चलते थे यहाँ पर। और जब से ये रोड बना है, मतलब ये 4-5 दिन पहले, ये हफ्ते पहले रोड बना, तो उसके बाद मतलब आए दिन मतलब जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 13-14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, वो मतलब कि काफ़ी स्पीड से यहाँ चलते हैं, जिस वजह से मतलब कि आने जाने में लोगों को भी दिक्कत होती है। और वो स्पीड तो देते पर उनसे मतलब बाद में बाइक स्कूटी नियंत्रण नहीं हो पाती है। अभी जैसे 2 या 3 दिन पहले एक मतलब ये दंगल थे, उनकी से स्कूटी से टक्कर हुई है, जिससे उनकी मौत हो गई अंकल की। और आगे के लिए हम ये चाहेंगे कि भी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लग जाए, ताकि बच्चे मतलब यहाँ पे धीरे चले। मेरा नाम भरत सिंह है जी, मेरी सब्जी की शॉप है यहाँ पे। और जी यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना जी, वो क्या नाम है कि ओवर स्पीड में भागते रहते हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। और जो यहाँ ब्रेकर, बिना ब्रेकर के जो है आदमी ज़्यादा ही स्पीड में चलते हैं, इसलिए जो ये हादसे हो रहे हैं ना जी, रोज़ देखने को हमारे को मिल रहे हैं।